नमस्कार, आज हम द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के बाकी बचे मेन पार्ट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यूपिल इज अ होल इन द मिडिल ऑफ द आयरिस। ये एक छेद है आयरिस के मिडिल पार्ट में। द प्यूपिल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। प्यूपिल में प्रवेश करने वाली लाइट की मात्रा को नियंत्रित मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है सिलियरी मसल। द आई लेंस इज हेल्ड इन पोजीशन बाय सिलियरी मसल। अब देख सकते हो सिलियरी मसल ने आई लेंस को पकड़ कर रखा है, होल्ड कर रखा है और अपने पोजीशन पर स्थित है। चेंज द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस अकॉर्डिंग टू द नेसेसिटी। अपनी जरूरत के हिसाब से अपने फोकल लेंथ को चेंज करते रहते हैं। आई लेंस। द आई लेंस इज ए कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ए ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल जेली लाइक मटेरियल। हमारा आंख में लगा जो लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस है। ये ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट मतलब मुलायम और जेली जैसा तत्व से बना हुआ है। बींग फ्लेक्सिबल दे कैन चेंज देयर शेप टू फोकस लाइट ऑन टू द रेटिना। वो फ्लेक्सिबल होने के कारण आसानी से अपने आकार को बदल सकता है और रेटिना तक डायरेक्ट लाइट को फोकस करा सकता है। एक्वास ह्यूमर। द स्पेस बिटवीन रेटिना एंड आई लेंस इज फिल्ड विद अ वाटरी लिक्विड कॉल्ड एक्वास ह्यूमर। रेटिना और आई लेंस के बीच जो पानी जैसा तत्व है उसे ही कहा जाता है एक्वास ह्यूमर। विट्रियस ह्यूमर। द स्पेस बिटवीन रेटिना एंड आई लेंस इज फिल्ड विद अ ट्रांसपेरेंट जेली कॉल्ड विट्रियस ह्यूमर। रेटिना और आई लेंस के बीच जो पानी जैसा जेली जैसा तत्व है उसे ही विट्रियस ह्यूमर कहा जाता है। रेटिना। The light sensitive screen on which the image is formed in the eye is called retina. वे एक प्रकाश मतलब light संवेदनशील screen मतलब sensitive screen जिस पर इमेज आँख में बनता है उसे ही रेटिना कहा जाता है। अब optic nerve. इमेज formed on the retina is converted and generate electric signals that convey to the brain by the optic nerve and give rise of the sensation of vision. रेटिना पर इमेज का रूप परिवर्तित हो जाता है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में उत्पन्न होता है जो ऑप्टिक नर्व के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचता है और दृष्टि के अनुभूत जन्म देता है। तो बस आज इतना ही। नेक्स्ट के बाकी कुछ पार्ट्स को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।